ईवीएम को लेकर मायावती का बड़ा आरोप। चुनावी गठबंधन पर मायावती ने क्या कहा? क्या ईवीएम में वाकई कुछ गड़बड़ है? बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी चीफ मायावती का 67वां जन्मदिन है। इस मौके पर लखनऊ के बीएसपी कार्यालय पर जश्न और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। किसी को नहीं पता था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती क्या कहने वाली हैं। बीएसपी चीफ ने जहां जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया, तो वहीं सियासी गलियारों में फैल रही अफवाहों को विराम भी दिया। मायावती ने ऐलान किया कि आगे का रास्ता बीएसपी किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले तय करेगी। इस साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ कई राज्यों में चुनाव होने हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसे लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही थीं, जिसे मायावती ने खत्म करते हुए साफ किया कि जिस भी राज्य में चुनाव होने वाले हैं, वहां पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। मायावती ने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस गठबंधन को लेकर भ्रम फैला रही है। हमने पहले भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा है, लेकिन उसका अनुभव ठीक नहीं रहा। बसपा का वोट तो ट्रांसफर होता है, लेकिन अन्य दलों का वोट ट्रांसफर नहीं होता। पार्टी अगले सभी विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। तो साफ है कि मायावती अब किसी पार्टी के साथ हाथ मिलाने नहीं जा रही हैं। मायावती को किसी पर भरोसा नहीं, वो खुद की पार्टी पर ही चुनाव में दांव लगाएंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी बात थी, वो ईवीएम पर सवाल, जिसके जरिए मायावती ने अपनी मंशा साफ की। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए मायावती ने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग की, साथ ही दम भरा कि अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाता है तो सबको पता चल जाएगा कि बीएसपी पार्टी का जनाधार कितना बड़ा है। देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह भी है। किसी पर नहीं, खुद पर भरोसा है। मशीन पर भी माया के कई सवाल और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की सलाह है। देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग मायावती की सलाह पर गौर करता है या फिर ईवीएम के जरिए चुनाव करवाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।